हेलो बच्चों, तो आज हम क्लास 8 में हैं और आज हम करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2। जिस जो चैप्टर अपना फोर्थ है कंबसन एंड फ्लेम, उससे ये एक्सपेरिमेंट जुड़ा हुआ है। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। इसमें हमें डिफरेंस निकालना है कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल के बीच। कंबस्टिबल क्या होता है? कंबस्टिबल का मतलब होता है जो जल जाए, जो आसानी से ऐसे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंस जो आसानी से जल जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंबस्टिबल। और जो आसानी से नहीं जलते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं? नॉन कंबस्टिबल। तो हमारे इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए बहुत सारी चीजें हमारे पास है, जो हमने किट मंगवाई थी उसी में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मैच स्टिक है हमारे पास और ये प्लास्टिक की पन्नी हमारे पास उपलब्ध है, ये दूसरा है, और चारकोल है हमारे पास, ये पेपर है और ये आयरन नेल है, ठीक है, और इसमें एक और एक लकड़ी भी है हमारे पास, ये देखिए, ठीक है। अब इसमें हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन कौन से सब्सटेंस कंबस्टिबल है और कौन कौन से सब्सटेंस नॉन कंबस्टिबल, जो आपके साथ आसानी से जल जाए वो उन्हें हम क्या बोलेंगे? कंबस्टिबल। और जो आपके संपर्क में आने पर जलते नहीं है उन्हें हम क्या बोलेंगे? नॉन कंबस्टिबल। एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये पेपर ले लेते हैं और पेपर को जलाने के लिए हमने लाइटर यूज किया है, तो हम इसको जलाते हैं। ये देख रहे हैं पेपर क्या है, ये जल रहा है ना। तो अब पेपर को आप क्या बोलेंगे? कंबस्टिबल। कंबस्टिबल बोलेंगे, क्यों? क्योंकि ये आग के संपर्क में आने के बाद, कॉन्टेक्ट में आने के बाद क्या हो गया? जल गया। इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? कंबस्टिबल। कंबस्टिबल बोल सकते हैं। और दूसरा सब्सटेंस हमारे पास ये लकड़ी है, ठीक है, इसे हम यदि जलाते हैं तो ये भी क्या है? जल रहा है, आपको भी नजर आ रहा हो। यस सर। तो इस लकड़ी को भी हम क्या बोलेंगे? कंबस्टिबल। कंबस्टिबल बोलेंगे, ठीक है। और तीसरा सब्सटेंस ये मैच स्टिक है, देखो मैच स्टिक को हम जला रहे हैं, ठीक है, ये देखिए ये भी जल गई ना। यस सर। तो इसे भी हम क्या बोलेंगे? कंबस्टिबल। कंबस्टिबल बोलेंगे, ठीक है। और भी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ये प्लास्टिक है, इसको हम जलाते हैं, चेक करते हैं ये कंबस्टिबल है या फिर नॉन कंबस्टिबल है। ये क्या है? जल रही है, ठीक है। लेकिन हमें ऐसी चीजों को खुले मैदान में नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि जब प्लास्टिक जलता है तो बहुत सारी पॉइजनस गैसें इससे निकलती हैं, है ना, जो जहरीली गैसें होती हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती हैं, ठीक है। यदि आप इससे निकलने वाली जो गैस होती है, यदि इनके संपर्क में आप आते हैं तो वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, जो आपको, हमारे पास ये पॉलीथीन उपस्थित है, यदि इसको हम दोबारा भी जलाएंगे तो ये आसानी से जलेगी और साथ में ये पॉइजनस गैस निकलती है, यदि इसके संपर्क में आप आएंगे तो थोड़ा सा आपको अजीब या सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है। तो इसे भी हम क्या बोल सकते हैं? कंबस्टिबल, ठीक है। और हमारे पास ये आयरन नेल है, लोहे का एक टुकड़ा, इसको हम जलाते हैं, ये जल रहा है कि नहीं जल रहा है, ठीक है। हाँ, एक लोग आएगा क्योंकि ये हमने ग्लव्स पहन रखे हैं, ये जल भी सकता है, इसको आप पकड़ेंगे, ठीक है। इसको हम जला के देख लेते हैं, थोड़ा सा सामने करो, ऐसे सामने कैमरे की ओर देखना चाहिए, ये देखो क्या हो रहा है, इसमें कोई अंदर आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। आयरन नेल क्या है? नॉन कंबस्टिबल। इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? नॉन कंबस्टिबल, क्योंकि ये आग के संपर्क में आने के बाद इसमें कोई फर्क नहीं हुआ, यानी कि ये जली नहीं, ठीक है। हालांकि इसमें टेम्परेचर में बढ़ेगा, टेम्परेचर इसका बढ़ जाएगा, बट ये जलेगी नहीं, ठीक है। तो आयरन नेल क्या हो जाएगी? नॉन कंबस्टिबल, ठीक है। अब हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं, इनको देख लेते हैं, जैसे ये चारकोल है, ठीक है, इसको हम जलाते हैं, क्या इसमें डिफरेंस आता है?
ये देखिए, जब इसको आप लगातार ये आपके संपर्क में रखेंगे तो इसका कलर रेड होता जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जलेगा। देख रहे हैं ना, देखा होगा तो चारकोल को हम क्या बोलेंगे? कंबस्टिबल। लेकिन ये फ्लेम के साथ नहीं जलता है। जब हम इसको जलाते हैं तो कोई इससे लौ निकलती है क्या? नहीं निकलती है। सिर्फ आपको इसका कलर चेंज दिखाई दे रहा होगा, देखो रेड होगा। देखो और इसको हम जलाते हैं, इसका कलर क्या हो जाएगा? ये धीरे धीरे पूरा जल जाएगा। ठीक है, तो कोयला भी क्या है? कंबस्टिबल। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट जिसे हमने किया, इसमें हमने समझा कि कौन सी वस्तु कंबस्टिबल है और कौन सी वस्तु नॉन कंबस्टिबल है। ओके बच्चों, आया समझ में? यस सर। थैंक यू।